नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स भंडारे जैसा खिचड़ी, जो हम मंदिर साइड पे जाते हैं हम लोग को खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, वैसा ही मैं आप लोगों को घर पर बना करके दिखाऊँगी कि इसे कैसे बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा ये बनता है, घर पे रेडी हो जाता है 5 से 6 मिनट के अंदर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सारे सब्जी को काट लिया था, लौकी, पालक, बैंगन, गाजर, शिमला मिर्च, आलू, गोभी और कोहड़ा है जिसे हम पम्पकिन भी बोलते हैं, और चावल और दाल को मैंने पहले से भिगो रखा था। फ्रेंड्स यहाँ मैं एक पतीला रख रही हूँ और उसमें सरसों तेल डाल रही हूँ। फ्रेंड्स पतीले यहाँ अच्छे से नहीं सूखा था इसलिए यहाँ तेल के छींटे पड़ रहे हैं। फ्रेंड्स सूखने के बाद ही इसमें सरसों तेल डालिएगा। मैं यहाँ तेज़पत्ता, जीरा और गोल मरीच, 2 सूखी मिर्च के डाल के छौंका लगा रही हूँ। अब मैं इसमें सारे सब्जी को डाल लूँगी बारी बारी करके। तो देखिए मैंने यहाँ गोभी, आलू, शिमला मिर्च और गाजर सारे सब्जी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। कोहड़ा को भी सीजन के टाइम में सारे सब्जियाँ मिलने लगते हैं, जब सर्दी के समय में सारे सब्जी मिलती हैं तब आप लोग खिचड़ी बना करके ज़रूर रेडी कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बन के रेडी होता है। फ्रेंड्स सारे सब्जी का फ्लेवर खिचड़ी में अच्छी तरह से आ जाता है। तो देखिए मैंने सारे सब्जी को डाल लिया है और इस अच्छे से चला लूँगी। अगर आज का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए मैंने सारे सब्जी को अच्छे से चला लिया है। अगर आपके पास मटर होगा तो मटर ज़रूर ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं था। तो देखिए अच्छे से मैंने ये सब्जी को मिक्स कर लिया है। पतीले में भंडारे जैसा खिचड़ी का ही स्वाद आता है फ्रेंड्स, जैसे भंडारे में बनता है तो ज़रूर पतीले में बना करके ट्राई कीजिएगा। कुकर वाला फ्लेवर उतना खास नहीं होता है जितना पतीला वाला होता है, तो पतीले में ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अच्छे से देखिए मैं इसे चला लूँगी और चला करके ढक के 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट के बाद से हमारा सब्जी हल्का सा पक गया है, तो इसे फिर से हम अच्छी तरह से चला लेंगे क्योंकि स्टील का ये पतीला है, चिपकने का डर रहता है। उसके बाद हम इसमें चावल 10 मिनट भिगो करके रख लिया था, चावल दाल सबको मैंने एक में ही भिगो के रख लिया था। मूंग, अरहर, जो भी आपको दाल पसंद हो आप डाल के इसे बना सकते हैं। तो देखिए पकने के लिए मैं इसमें 1 कटोरे पानी ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसमें हमारा खिचड़ी पक सके, तो इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लूँगी, उसके बाद मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मरीच पाउडर। जीरा और मरीच पाउडर जरूर डालिएगा फ्रेंड्स, इससे खिचड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब सब्जी वाला खिचड़ी हो तो जीरा मरीच ज़रूर डालना चाहिए, इससे अच्छा स्वाद आता है। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले और नमक को और इसे ढक करके पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आने लगे। तो देखिए उबाल आना शुरू होने वाला है। इसमें मैं अदरक और लहसुन कुटी हुई डाल दूँगी, आप लहसुन डालना नहीं चाहें तो नहीं डालिएगा। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, मुझे लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता है। भंडारे में लहसुन नहीं डलती है, सिर्फ अदरक ही डाला जाता है, प्याज और लहसुन नहीं डालती है। लेकिन मैं घर पे ऐसे ही बना करके आप लोग को वीडियो दिखा रही थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाल दी हूँ। आप लोग को अगर लहसुन प्याज नहीं खाना हो तो सिर्फ अदरक डालिएगा। और अच्छे से चला करके ढक करके इसे पका लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छे से इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम ढक्कन को हटा करके ही पकाएंगे ताकि इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। तो देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है और इसे हमें 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि हमारा चावल और दाल अच्छे से सीज जाए, यानी कि पक जाए। तो देखिए हम थोड़ा सा टच करके देख रहे हैं कि हल्का सा ये कच्चा है, मतलब आधा पका हुआ आधा कच्चा है, तो थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और इसे पका लेंगे। मैं इस खिचड़ी को अरवा चावल से बना रही हूँ फ्रेंड्स, अरवा चावल में खिचड़ी बहुत अच्छा बनता है, जो हमारे घर का चावल है वही। अगर आप लोगों को उसना चावल में बनाना हो या कोई भी चावल तो आप बना सकते हैं, लेकिन अरवा चावल में खिचड़ी ज़्यादा फ्लेवर आता है, गाढ़ा बन के रेडी होता है। तो देखिए अच्छे से हमारा खिचड़ी बन गया है। अब इसे हम 10 मिनट ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम छौंका रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब देसी घी डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, 2 से 3 कड़ी पत्ता, 1 हरी मिर्च और 1 चुटकी इसमें मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स हींग से। अच्छा
फ्लेवर आता है, और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसे मैं गैस ऑफ करके डाल रही हूँ ताकि हमारा लाल मिर्च पाउडर जले ना, तो इसलिए मैं बंद करने के बाद ही लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद से मैं इसमें छिलका लगा लूँगी और धनिया पत्ती कटी हुई डाल करके मिक्स कर लूँगी, और हल्का सा 5 से 6 मिनट ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा था। देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट के बाद से हमारा खिचड़ी कितना अच्छा से गाढ़ा हो गया है, और इसे मैं आप लोगों को प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये एकदम भंडारे जैसा खिचड़ी बन करके रेडी होता है। आप लोग एक बार बना करके खाइएगा, उसके बाद फ्रेंड आप लोग को पता चलेगा कि कितना टेस्टी ये खिचड़ी बन करके रेडी होता है। सारा सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एकदम भंडारे में मिलने वाला जो खिचड़ी होता है वह ही फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, तो एक बार इस वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आएगा तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।